कभी भी कोई सरकार ने ना रोजगार पे एक पॉइंट नहीं बोला है, ठीक है, सब खाली हिंदू मुस्लिम वहाँ वहाँ लड़ाई पंचायत से खत्म होगा। देखिए ये पहला कार्य धारा 370 हटाया, 370 हटाने से मिर्जापुर के लोगों को क्या फायदा होगा? कश्मीर में कितने एकड़ जमीन खरीद ली जो 370 हटाने से मिर्जापुर के लोगों को फायदा होगा? विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बता सके यहाँ पे आके। मिर्जापुर का चुनाव तो यही है भैया, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि उसने काम किया है। कालीन मेरे घर काम होता है, अब चल को दिखाइए, कल मेरे घर आइए, मैं अपना पूरा कारखाना आपको दिखाता हूँ, बंद पड़ा हुआ है, ताले लग रहे हैं उसमें। सरकार बनाने के लोग ऑफर देते हैं, लालच देते हैं। भाई देखो ये सही बात है, बुरा लगे जाए जो लगे। एक डाला फैक्ट्री रख के सीमेंट चुनार रहा, मुलायम सिंह बेच दिए रहने के। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता होता है वो कांग्रेस की 70 साल की नाकामियां गिनाने लगता है, लेकिन अपने 5 साल में किए गए कार्य को नहीं गिनाता। कोई जरूरी नहीं आतंकवादी का नाम मोहम्मद आरिफ या मोहम्मद आरिस हो, केंद्रीय गैराज मंत्री के बेटे ने किसानों पे कार चढ़ा दी जिसमें 5 किसान मर गए, ये आतंकवादी हमले से कम है क्या? साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, चलते हुए लखनऊ पहुंच जाएगी या नहीं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। ज्ञानकोश का चुनावी सफर इस समय पहुंच चुका है मिर्जापुर में। यहाँ पे 5 विधानसभा की सीट है और जिसमें अगर बात करी जाए तो अभी तक बीजेपी और बीजेपी की अलायंस पार्टियों का यहाँ पे कब्जा है। मिर्जापुर की बात करी जाए तो मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए भी बहुत ही फेमस है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है। जी क्या नाम है? प्रदीप। क्या लग रहा है मिर्जापुर का चुनावी माहौल क्या है? यहाँ सही है सब, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है तो क्यों लग रहा है बीजेपी का माहौल है? अरे काम अच्छा किया है और क्या? जैसे बहुत कुछ किया है। वही तो, जैसे जनता जानना चाहती है कि कौन से कार्य हुए क्षेत्र में। विंध्य सर कॉरिडोर बन रहा है, बहुत चीज बन रहा है। आपके शहर की रोडें तो बहुत खराब है। रोड तो बीच बीच में खना जाता है फिर सही हो जाता है। ट्रैफिक की भी समस्या है। ट्रैफिक का है थोड़ा बहुत। क्या लगता है कि इतना 5 साल आपने बीजेपी को सत्ता में रखा, मिर्जापुर के लोगों को क्या मिला? बहुत कुछ, मेडिकल कॉलेज मिला, एम्स मिला, और ऐसे बहुत कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर मिला, बहुत चीज मिला है। युवाओं का मुद्दा है रोजगार, युवा बोलता है कि बीजेपी के शासन में रोजगार भी कुछ यहाँ देना चाहिए, रोजगार भी। तो रोजगार मानते नहीं है? मानते कहाँ नहीं, हम तो रोजगार मेहनत करते हैं, रोजगार चाहिए यहाँ पे। रोजगार नहीं है उसके बाद भी बीजेपी का समर्थन? अब 5 साल देखे, फिर 5 साल देख रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। जी क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनू यादव। जी क्या लग रहा है मिर्जापुर का चुनावी माहौल? सर मिर्जापुर का माहौल तो बढ़िया है, बट जानते हैं इस समय शिक्षा बेरोजगारी है, और जो अभी थोड़ा प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो इससे पहले रह चुके हैं यहाँ के, ये हमारे क्या बोलते हैं विधायक जी रत्नाकर मिश्रा जी थे, जो उनके अंदर में तो कोई काम नहीं हुआ, बट बीजेपी के हुआ है जो हुआ है, लेकिन जो विधायक रह चुके हैं, विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो वो बता सके यहाँ पे आके। यहाँ का विधायक एक बार चाहते हैं कि फिर से इस बार यहाँ पे अपने यहाँ बदलाव होना चाहिए, जो हमारे क्लास चौरसिया जी को बनाना चाहिए इस बार। चौरसिया जी किस पार्टी से चुनाव? ये सपा की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से चुनाव लग रहे हैं। और बीजेपी से विधायक का नाम? विधायक नाम ये रत्नाकर मिश्रा है, जो एक बार रह चुके हैं 5 साल तक, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ पर जो विधायक थे उनके कार्यकाल में मिर्जापुर में कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से जनता बदलाव चाहती है। क्या नाम? तनिष गुप्ता। क्या लग रहा है मिर्जापुर का चुनावी माहौल? मिर्जापुर का चुनाव तो यही है भैया, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि उसने काम किया है। जैसे कि अगर आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर विंध्यवासिनी का वो बन रहा है मंदिर, तो वहाँ पे लोग आएंगे, अगर लोग आएंगे तो यहाँ पास की इनकम बढ़ेगी, इनकम अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे और भी चीजें होंगी। और अगर रही बात मिर्जापुर के लोग जो सड़कों की कह रहे हैं, सड़कों में पाइपलाइन हो रही है, आप देखे होंगे मैक्सिमम जगह सारे काम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से पाइप अभी वो है। अगर आपने अभी तक में देखा होगा कि जितना भी कुछ है सब कुछ तो हो ही रहा है यहाँ पे। आपने बात करी मंदिर की, मंदिर अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है, लेकिन युवाओं का कहना ये है कि मंदिर मस्जिद बनाने से हमें रोजगार तो नहीं मिलेगा। ये बात तो है, लेकिन सर अगर ये भी तो नोटिस कीजिए, अभी फैक्ट्रियां लग रही है, है ना, अगर आपने सुना ही होगा खिलौने की फैक्ट्री लग रही है, और भी आ रही है सैमसंग की, नहीं मिर्जापुर में नहीं, दिल्ली वगैरह तो आ रही। तो उत्तर प्रदेश का क्या विकास? तो सर यूपी में तो लखनऊ में भी तो आ रहा है ऐसे देखा जाए खिलौने की फैक्ट्री। हम लोग मौजूद हैं मिर्जापुर में, मिर्जापुर के चुनावी मुद्दे यहाँ लोग छोटे छोटे जगहों से, अगर यहाँ से अगर युवा को पलायन करके बड़े शहरों में जाना पड़े तो क्षेत्र में यानी कोई विकास का या इनकम का कोई सोर्स नहीं, जिस वजह को उसको छोड़ के। अच्छा अगर आप देखिए मिर्जापुर में कोई ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री यहाँ पे डाला, कुछ नहीं डाला जा रहा है,
ये जान लीजिए, जो है सब बाहर के लिए हो रहा है, यहाँ के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये चीज है। यहाँ का युवा क्या किसको चुनेगा? तो युवा हमारा तो सोच सबका अलग अलग होता है ना सर, वो अपना युवा सोच। अलग मुद्दे होंगे, आप जब वोट देने जाएंगे हम लोग अपने मुद्दों पे वोट देंगे, तो क्या मुद्दे? यही रोजगार सबसे बड़ी चीज। बीजेपी क्या लगता है, रोजगार पे फेल है? अभी तो रोजगार नहीं दी तो फेल ही है ना, 5 साल तक अभी फेल ही है। देखिए, माय नेम इज कुंवर विशाल सिंह, यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे रोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद पे जितनी भी सरकारें सब आपस में लड़ा रही हैं, ठीक है। जो भी काम किया है अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो कि अगर वो चाहे यूपी को बहुत डेवलप कर सकता है, क्योंकि वो जो अरविंद केजरीवाल है वहाँ के अपने दिल्ली में देखिए कॉलेज स्कूल सब डेवलप कर दिया, तो यूपी में अगर जीत जाएगा तो यहाँ पे भी सब जितने भी कॉलेज है सबको डेवलप कर देगा, सब में यहाँ पे डिजिटल। केजरीवाल उत्तर प्रदेश चुनाव की रेस में भी है? नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे लोग जातिवाद पे वोट देते हैं, यहाँ पे ना जातिवाद पे। ये चुनाव जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पे ना होके, रोजगार के मुद्दों पे ना होके, जातिवाद पे, तो इसको यहां कैसे खत्म करा जाए? हम बताएं, देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे यहाँ पे जातिवाद पे वोट है। देखिए पहला प्लस पॉइंट ये है कि हिंदू मुस्लिम, ठीक है, कोई मंदिर बना दिया उस पे वोट ले लिया, कोई मस्जिद बना दिया उस पे वोट ले लिया। अगर कोई नेता वोट हार रहा है, मतलब सीट हार रहा है, तो हिंदू मुस्लिम कर देता है, ठीक है। देखिए मेन मुद्दा क्या है, बेरोजगारी कोई नहीं। देखिए आज तक कोई सरकार जितनी भी काम की है, कभी भी कोई सरकार ने ना रोजगार पे एक पॉइंट नहीं बोला है, ठीक है। सब खाली हिंदू मुस्लिम वहाँ वहाँ लड़ाई पंचायत से खत्म होगा। देखिए ये अगर बात करें मिर्जापुर में, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मिर्जापुर नहीं बोले, खासकर यूपी बिहार में है ऐसा, मिर्जापुर में भी है, अगर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में भी होगा, हम बताएं इसको कैसे खत्म करा जाए। इसको हम देखिए बताया ना, इसको खत्म कैसे कहता है, जब यहाँ के युवा जो है अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे, यहाँ जब पढ़ेंगे ही नहीं तो वोट कहाँ से देंगे? सही हो, साधन भी नहीं है ना यहाँ पर शिक्षा के लिए। सरकार ने शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, अगर तैयारियों के लिए कुछ छूट दिया है। सरकार की अभ्योदय योजना आई थी कुछ दिन पहले, मैंने उसका फॉर्म भरा था, उस पर कुछ नहीं हुआ ना, तो उसमें मेरा एग्जाम हुआ, मैं तैयार था, मतलब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मैं तैयार था। एंट्रेंस एग्जाम ले, अगर हम पास होते हैं फिर भी हमको फ्री में एजुकेशन दे, अगर हम पास नहीं होते हमको फ्री में एजुकेशन ना दे। लेकिन शिक्षा ने रोजगार और शिक्षा के अभी जितनी देखी, अभी भाषण चली रहा है, चुनाव देखी नहीं आप लोग, केवल मंदिर मस्जिद आतंकवाद भी है मुद्दा, आतंकवाद जबकि राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राज्य में चुनाव हो रहा है ना कि केंद्र में चुनाव हो रहा है, कि यहाँ पर मुद्दा आतंकवाद होगा, ठीक है। और यहाँ पर शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार पे सरकार ने क्या बोला और क्या कुछ भी बोला शिक्षा रोजगार पे, कहीं भाषण पे सुने आप? क्या लगता है, जो आपने बताया कि युवा के पास रोजगार नहीं है, तो इसका जवाब 2022 और उसके बाद चुनाव हो रहा है, इसमें क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है, युवा नाराज है आज बीजेपी के। हम अच्छा है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, जो बन रहा है, धर्म सब, अब सबको अपना अपना हक है, अपने धर्म के बारे में जो बोलना है, जो भी करना है, सबको हक है। मोदी आते हैं 80 दिन, उसी को हक है। जो मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा जो रोजगार पे, शिक्षा पे। देखिए मेन बात क्या है, पूरे वर्ल्ड में देखिए हम कितनी बड़ी बात बताएं आपको, बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन फ्री है, लेकिन इंडिया में क्या है, सबसे अधिक यहाँ पे जीएसटी लगाए एजुकेशन पे, कितनी बड़ी बात है। जबकि जितने भी देश हैं वहाँ पे जीएसटी नहीं लगा हुआ है, एजुकेशन फ्री में देते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, यहाँ पे एजुकेशन पे ही जीएसटी लगाए बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात ये है। एजुकेशन जब महंगा देगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? यहाँ पे के लिए IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी सीट कितनी है? उसकी सीट कितनी है? सीट दिन पर दिन कम होती जा रही है ना, कि बढ़ती जा रही है। इसको बढ़ाना चाहिए, सरकार ने बढ़ाना, 4 जगह सीट एक घटाया है सरकार ने, घटाया और सरकारी रोजगार में, सरकार ने रोजगार जो सरकारी है उसको कम किया है और आगे भी कम करती रहेगी, जिस हिसाब से इसकी बातें लग रही है सरकार की, उसको और कम करेगी। क्योंकि सीधा बोलिए प्राइवेट पे, और मैं मिर्जापुर जन्म से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कालीन है, ठीक है, पीतल उद्योग है, किसको इसने बढ़ावा दिया बताइए? 5 साल में इसने क्या दिया, किस चीज को बढ़ावा दिया? अगर उसने मिर्जापुर का मेन उद्योग कालीन उद्योग माना जाता है, कालीन मेरे घर खुद काम होता है कालीन का, इस टाइम हालत बहुत खराब है, ये कालीन मेरे घर काम होता है, अब चल को दिखाइए, कल मेरे घर आइए, मैं अपना पूरा कारखाना दिखाता हूँ, बंद पड़ा हुआ है, ताले लग रहे हैं, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अब कालीन के लिए बता रहे हैं, एकदम बाजार में मंदा पड़ा हुआ है, जो है कालीन उद्योग से रिलेटेड आपने बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, योगी जी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत कालीन पे ध्यान देना जाना चाहिए कि नहीं, आप बताइए, कालीन पे ध्यान देना दिया जाना चाहिए था कि नहीं? अगर दिया जाना चाहिए था क्यों नहीं दिया गया? मिर्जापुर की पहचान है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत उसको आगे करना चाहिए था ना, लेकिन सरकार ने किया कुछ भी नहीं किया। क्या पता है कौन से ऐसे तरीके होंगे जिससे करा जाए? अरे यहाँ की ट्रांसपोर्ट सरकार को हेल्प करनी चाहिए कि यहाँ पे जो कालीन हो रही है वो विदेशों तक थोड़ा आसानी से जाएं, विदेशों तक ट्रांसपोर्ट हो। जब ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा है तो फिर कैसे होगा? मुद्दे बताइए, यहाँ के मुद्दे क्या है, कि मुद्दों पे युवा वोट करेगा, यहाँ की जनता किस वोट पे करेगा? युवा वोट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको रोजगार मिला ही नहीं, जिसने हमने जिनको रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में सरकार की गद्दी पर बैठाया, उसने हमको रोजगार ही नहीं दिया, हमको बेरोजगार कर दिया।
यही सबसे बड़ा मुद्दा है, युवा रोजगार दो। पहले रोजगार थे, जैसे कांग्रेस का कहना है या फिर इनका कहना है सपा का कि बिजली माफ हो जाएगी, यूनिट कम हो जाए, कोई भी सर नहीं कर सकता है। बस सरकार बनाने के लोग ऑफर देते हैं, लालच देते हैं। भाई देखो ये सही बात है, बुरा लगे जाए जो लगे। देखो शिक्षा की बात ठीक है ना, बात सुनो। इनके पापा इसके पहले नौकरी रेलवे में करते थे, और ये भी इनके दादा भी रेलवे में करते थे। इसके पहले नौकरी बहुत ज्यादा थी इनके घर में, सब लोग सरकारी सर्विस कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार में 8-5 साल सचिवालय में नौकरी आता था, आज नौकरी गायब है, खत्म है नौकरी खत्म है। अगर कोई इंसान रिटायर नहीं हो रहा तो कैसे वैकेंसीज खाली होगी? लॉजिक सी बात है, अगर वैकेंसीज ऊपर खाली नहीं होंगी तो मेरी बात का जवाब दीजिए। प्रदेश में लगभग कितनी सीटें खाली है, गवर्नमेंट की सरकार ने क्यों नहीं भरी? अगर रिटायरमेंट अलग बात है, गलत रहा टूट है, एक डाला फैक्ट्री रख के सीमेंट चुनार रहा, मुलायम सिंह बेच दिए रहने के, क्यों नहीं मालूम है? कारखाना रहा, कांग्रेस कहाँ थी? क्या नाम है? नाम कभी कुछ बदल लीजिए, नाम बोलिए, ओम प्रकाश। हाँ, क्या है, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी में विकास होना चाहिए, शिक्षा मिलनी। कौन करेगा विकास? विकास कर रहा जो है। कौन कर रहा है विकास? अरे कौन है, अब समझिए ना, आप पत्रकार हैं, हमको समझ रहा हूँ, लेकिन युवा नहीं समझ रहे हैं। युवा सब समझ रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। अरे पढ़े लिखे, शिक्षा रोजगार चाहिए, मिल रहा है रोजगार शिक्षा, जब योग्य रहोगे तब लोगे ना। आप ही हैं, आप ही हैं, आपने कहा जो युवा है ये योग्य नहीं है। योग्य नहीं है, है आइए ना, योग्य है। कहाँ थी कांग्रेस कहाँ थी इसके पहले? जब रेलवे कारखाना आया था, रेलवे और खाद कारखाना, तब का उठा के भेज दिए, चला गया गोरखपुर। आपके हाथ में पावर था, आपकी सत्ता थी, आपकी कैबिनेट मंत्री थे, तो क्यों नहीं इसको लगवा दिए? मिर्जापुर में आया था, बहुत कुछ। सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता होता है वो कांग्रेस की 70 साल की नाकामियां गिनाने लगता है, लेकिन अपने 5 साल में किए गए कार्य को नहीं गिनाता। आप 5 साल में बीजेपी ने क्या करा वो गिनाइए, 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी जो स्थिति है चुनाव में वो उनको भी पता है। आप ये बताइए 5 साल में बीजेपी ने क्या कार्य करे? पहला कार्य सर ये किया, पहला कार्य धारा 370 हटाया, दूसरा कार्य ये किया, आखिर शांत रहा। 370 हटाने से, एक मिनट, 370 हटाने से मिर्जापुर के लोगों को क्या फायदा हुआ? देश को हम मिर्जापुर के लोगों ने कश्मीर में कितने एकड़ जमीन खरीद ली जो 370 हटाने से मिर्जापुर के लोगों को फायदा हुआ? फायदा मिर्जापुर के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व को भी हुआ। विश्व को कैसे हुआ यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। 370 हटाने से उत्तर प्रदेश का कल्याण? 365 दिन में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ कहीं। लखीमपुर खीरी केस याद है? कोई जरूरी नहीं आतंकवादी का नाम मोहम्मद आरिफ या मोहम्मद आरिफ हो, केंद्रीय गैराज मंत्री के बेटे ने किसानों पे कार चढ़ा दी जिसमें 5 किसान मर गए, ये आतंकवादी हमले से कम है क्या? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ये है। जी क्या नाम है? लक्ष्मण उमर कहते हैं। क्या लग रहा है मिर्जापुर का चुनावी माहौल? साइकिल चल रही है? साइकिल चल रही है, चलते हुए लखनऊ पहुंच जाएगी या नहीं? निश्चित पहुंचेगी। तो बीजेपी का क्या शासन रहा? 5 साल यहाँ पे बीजेपी रही, कार्य वगैरह कुछ नहीं हुए क्या? आप देख लीजिए, इमामबाड़े से चले जाइए, गली गली में देख लीजिए, जहाँ पे हमारे पूर्व विधायक ने वोट लगवाया है वो खाना हुआ पड़ा है। मिर्जापुर की जनता कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे वोट करेगी? मिर्जापुर का इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे न उद्योग है न व्यापार है, पीतल उद्योग के नाम से जाना जाता है, कालीन उद्योग से, दोनों ही शून्य के रूप में आप देख रहे होंगे। 5 साल में इस सरकार ने व्यापारियों के लिए बहुत बड़े वादे तो जरूर किए, लेकिन जमीनी हकीकत पे आज तक कोई चीज भी ऐसा नहीं है कि पीतल उद्योग को जीवन मिले, कालीन उद्योग को जीवन या फैक्ट्री हो। ये थी मिर्जापुर की जनता जिनका कहना है कि हमें मंदिर मस्जिद नहीं रोजगार चाहिए, और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और इंडस्ट्री का। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।